खबर ग्वालियर से है। डंपिंग यार्ड में आग लग गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंच गए हैं। मंत्री ने दमकल विभाग की टीम को कॉल किया है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मंत्री हो या संतरी, अगर आपको कहीं कुछ दिख रहा है कि गलत हुआ है तो पहले आपका कर्तव्य ये है कि आप उसे कॉल कीजिए, बताइए। और आमतौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर तो बड़े सहज नेताओं में गिने जाते हैं, साफ सफाई भी करते हुए इन्होंने देखा। ये कैसे पहुंच गए नासिर यहाँ पर डंपिंग यार्ड में जहाँ आग लगी थी? देखिए, बड़ा गांव में आग लगी हुई थी और लगातार जो लोग थे वो कचरे की आग से परेशान थे, और उन्होंने जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची तो ऊर्जा मंत्री को कॉल किया, क्योंकि वो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो उसके बाद वो वहां पहुंचे और आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, तो वहां पर उन्होंने खुद जो फायर ब्रिगेड की जो लेजर है पानी की, उसको उठाकर आग को बुझाने का खुद भी काम किया है, साथ ही फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी काम किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखने को मिली कि फायर ब्रिगेड के लोग है वो समय पर नहीं पहुंचे, मंत्री के भी कहने पर नहीं पहुंचे, लेकिन फिर जब मंत्री के कहने पर कुछ देर बाद पहुंची गाड़ी तब उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद आग को बुझाने का काम उन्होंने किया है। चलिए, कम से कम नासिर ने खबर में खबर निकाल दी। खबर में खबर क्या है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची।